युगों का मिलकर के एक चतुर्युगी होता है। चार युगों को मिलकर के एक चतुर्युगी बनता है। पहला युग आता है सतयुग, जिसमें भक्त प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज। और सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? हमारे रामचंद्र जी महाराज प्रकट हुए, त्रेता। त्रेता के बाद आता है द्वापर, और द्वापर के बाद आता है कलयुग। तो सतयुग के समय में, उस समय दो ग्रहों के बीच में युद्ध होता था। सतयुग में युद्ध हो रहा है, परंतु किसके बीच में हो रहा है? दो ग्रहों के बीच में। देवलोक लड़ रहा है और दैत्य लोक के बीच में लड़ाई हो रही है। देवता और दैत्य, ये दो ग्रहों के बीच में लड़ाई हो रही है। टू प्लैनेट्स आपस में लड़ रहे हैं। सतयुग में दो ग्रहों के बीच में युद्ध होता था, परंतु सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता में अब ग्रहों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा है। त्रेता में युद्ध हो रहा है किसके बीच में? दो देशों के बीच में। अयोध्या और लंका लड़ रहे हैं। सतयुग में दो ग्रहों के बीच में युद्ध हो रहा है, त्रेता में दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, परंतु द्वापर में ये युद्ध दो परिवारों में बट गया। कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके उतरता जा रहा है क्या? सतयुग में दो ग्रहों के बीच में युद्ध, त्रेता में दो देश के बीच में युद्ध, और द्वापर में दो परिवार के बीच में युद्ध चल रहा है। कौरव भी लड़ रहे हैं और पांडव भी लड़ रहे हैं, परंतु द्वापर के बाद आ गया कलयुग। अब दो परिवारों के बीच में युद्ध नहीं, अब स्वयं के भीतर युद्ध हो रहा है। बाहर लड़ने की जरूरत नहीं, हम अपने अंदर ही लड़ रहे हैं। कलिकाल में अगर आपको रावण का दर्शन करना है तो लंका जाने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। राम जी का दर्शन करना है तो अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हैं। ये दोनों बैठे, राम भी बैठे हैं और रावण भी बैठा है। राम भी बैठे हैं और रावण भी बैठा है, और दोनों खूब लड़ रहे हैं। पल पल पग पग में लड़ाई हो। कथा सुनने की बात आती है तो हमारे अंदर हृदय में बैठा हुआ रावण कहता है, भैया मत सुनो, क्या कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, उठ जाओ। रावण उठाने को तत्पर है, परंतु राम जी हृदय में बैठे हो कहते, नहीं नहीं भैया, बैठ संभल करके, कुछ सुनने को अच्छा ही मिलेगा। रेड लाइट पर अगर गाड़ी खड़ी है, कार चला रहे हैं, तो हमारे अंदर का रावण कहता है, भैया बढ़ जा आगे, तोड़ दे सिग्नल। परंतु राम जी कहते हैं, नहीं नहीं, सब्र रखो, दो चार मिनट की तो बात है, चाहे भोजन ही क्यों ना हो, फिर भी ये राम और रावण ये आपस में लड़ रहे हैं। पूजा ही क्यों ना हो, सुबह उठना होता है ना, नींद खुलती है। राम जी कहते हैं, हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, उठ जाओ। राम कह रहा है, उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। परंतु रावण 15 मिनट और सो ले भैया। राम उठाने में तत्पर है और रावण सुलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। रावण कहता है, और सो जा 15 मिनट, इसलिए तो मोबाइल में स्नूज देने पड़े। मोबाइल भी जानता है कि एक घंटी में भी व्यक्ति उठेगा नहीं, इसलिए बार बार 15 मिनट में स्नूज होता है। रावण कहता है, सच बोलो या झूठ बोलो, परंतु मैं बचना चाहिए। राम जी कहते हैं, नहीं नहीं, सच के लिए मैं स्वयं का बलिदान कर सकता हूं। हमारे अंदर दोनों रह रहे हैं, राम भी रह रहा है और रावण भी, दोनों का निवास। परंतु जीतेगा कौन? दोनों में जीतेगा कौन? बोले, जो ज्यादा बलवान होगा वो जीतेगा। और बलवान कौन होगा? बोले, जिसको ज्यादा आहार मिला होगा, जिसको ज्यादा भोजन मिला होगा वो बलवान होगा, और जो बलवान होगा वो जीतेगा। तुम्हारा, हमारे रावण का आहार पूरे संसार में मिल रहा है,
गली मोहल्ले निकल जाइए, रावण का आहार टीवी में मिल जाएगा, मॉल में मिल जाएगा, परंतु हमारे राम का आहार, राम जिस दिन 51 हो गया और रावण जिस दिन 49 हो गया, तो फिर धर्म करना आपके लिए एफर्ट नहीं होगा, फिर एफर्ट नहीं है, फिर धर्म तो स्वभाव बन जाएगा। परंतु राम को जिताना है तो राम का आहार भी तो चाहिए। रावण का आहार टीवी, बाजार, मोबाइल में हर जगह मिल रहा है, परंतु मुझे लगता है हमारे हृदय में रहने वाले राम का आहार अगर कुछ है तो वो ये कथा है। कथा